जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ दही का एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे नाश्ता समझ सकते हैं, चाट समझ सकते हैं, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। और उसके लिए मैंने लिया था ये दही, और जिसे मैंने चलनी में डाल दिया है और उसका एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। पानी को हम एक साइड से रख देते हैं और इस पानी को हम चाहे तो आटा लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप कोई सब्जी बना रहे हैं, जैसे आलू की सब्जी बना रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं, कढ़ी में डाल सकते हैं। और ये अच्छा गाढ़ा दही मैंने एक तरफ रख लिया है। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये एकदम छोटे साइज के आलू। और अगर आपके पास जो आलू हैं वो बड़े साइज के हैं तो आप उन्हें छोटा छोटा काट सकते हैं। और उसके बाद गैस ऑन करके उसके ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है, और पैन में एक टीस्पून जितना देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। घी को गर्म होने देते हैं और जैसे ही घी गर्म होता है उसमें डाल देंगे ये आलू। आलू को मैंने हाफ कुक से ज्यादा उबाला हुआ है। आलू को हम करीब 3 से 4 मिनट तक गर्म घी में इसी तरीके से चला लेंगे, जिससे ऊपरी लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी और हल्का सा कलर भी आ जाएगा। आलू को मैंने 4 से 5 मिनट तक देसी घी में लगातार चलाते हुए चला लिया है, और आप देख सकते हैं कि आलू पे हल्का सा कलर आ गया है और इनकी जो ऊपरी लेयर थी क्रिस्पी हो गई है। और आलू को मैंने 80% कुक किया था और इसी बीच आलू पूरी तरह से कुक हो चुका है। बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आलू को पूरी तरह कूल डाउन होने देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमने आलू रखे थे वो भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। और अब अपने दही को देख लेते हैं। और ये जो हमने दही बांध कर रखा था इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। और इसी समय हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल दी है। उसके बाद फिर एक बार मिक्स कर देते हैं। दही बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और एकदम स्मूथ भी हो गया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमें इससे ज्यादा पतले दही की जरूरत नहीं है। और इस दही में अब हम डाल देंगे ये आलू, जिसे हमने थोड़ी सी देर के लिए देसी घी में चला लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही गाढ़ा था इसलिए आलू पे बहुत ही अच्छे से कोट हो गया है, और इतने ही गाढ़े दही की हमें इसके लिए जरूरत होगी। और इसके बाद मैंने लिया है ये एक बिल्कुल छोटे साइज का टमाटर, जिसे एकदम बारीक काटा है। आधा खीरा वो भी बारीक काट लिया है। एक छोटे साइज की शिमला मिर्च उसे भी काटा हुआ है। और एक मीडियम साइज का प्याज उसे भी एकदम बारीक काट लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ये सब चीजें हम इसके अंदर डाल देंगे। दो टीस्पून जितना डाल देते हैं फ्रेश कोकोनट, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और इससे इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार हल्के से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है दही ज्यादा गाढ़ा है और ये इसमें अच्छे से कोट नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। एक टेबल स्पून जितना पाउडर शुगर डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/8 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, और थोड़े से डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। और आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, परंतु ये बहुत ज्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता है। आधा नींबू का रस, कटा हुआ हरा धनिया, और बस इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और आलू से बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी चाट हमारी बनकर तैयार हो गई है, और अब बारी है सर्व करने की। और सर्व करने के लिए हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और सर्व करने से पहले हम इस पे डाल देंगे थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी,
जिससे टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़े से खीरे, टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, जीरा, और थोड़े से डाल देते हैं अनार के दाने। लास्ट में डाल देते हैं ये भुजिया वाली नमकीन, जिससे ये खाने में क्रंची हो जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा और बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी हमारी ये दही आलू की चाट बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और आप देसी घी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते तो आप आलूओं को फ्राई ना करें, आप इन्हें ऐसे भी बना सकते हैं। दही आलू से बनी हुई ये रेसिपी अगर आप लोगों को भी अच्छी लगे तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। रेसिपी और तरीका अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।